सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसकी भी विचारधारा भाजपा से अनुकूलित है उसके शामिल होने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने राजभर के भाजपा में आने और सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा कटाक्ष किए जाने पर कहा कि लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। राजभर अब भाजपा के साथ हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। कोई नाराजी किसी विषय का नाराजी का कोई मतलब नहीं है। हमारा परिवार की बैठक है और बहुत बड़ा संगठन है और अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव, उनके अनुभव के आधार पर हम लोग अपने काम की गति को बढ़ाते हैं। तो और एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है हमारा, उस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियान और अपने काम को लेकर जनता के बीच में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नजम जुड़ चुके हैं। नजम, भूपेंद्र चौधरी सहारनपुर पर पहुंचे थे, 2024 मिशन को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कुछ निर्देश दिया है, क्या कुछ जीत का मंत्र बताया है? देखिए नंदी, मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र चौधरी सहारनपुर में पहुंचे हैं। उन्होंने 2024 की चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा के संगठन को मजबूत बनाने के लिए पुराने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कराने की जुटी है और उनकी सबकी मीटिंग ली है। और ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिसके भी मन मुटाव हो वो अपना दूर करे। मिशन क्या है कि 2024 नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करना। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और उनको सबको ये कहा है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो मन मुटाव हो अभी मीटिंग में दूर कर ले। और ये शुरुआत की है सहारनपुर के अंदर से। 2024 का चुनाव बहुत मजबूत को लेकर चल रही है बीजेपी और हर तरीके से बीजेपी एक एक कदम फूक फूक के रख रही है। जी नंदी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरदोई के जिलाधिकारी ने तहसील सवाईशपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने राजस्व विभाग की टीम को हर समय मौजूद रहने के निर्देश दिए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनके खान पान की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने नाव पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों का हाल चाल जाना। अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में अमरोहा नगर पालिका परिषद के प्रांगण में जनपद के गशरौला निवासी दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय गुरुमुख सिंह और अमरोहा निवासी पत्रकार शाहरुख सैफी के निधन पर दोनों पत्रकारों के दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके लिए मौन धारण किया गया। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि दोनों ही पत्रकार समाज की हर छोटी बड़ी खबर को समाज के सामने रखते थे। उनके जाने से पत्रकार जगत के साथ साथ समाज को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। गाजियाबाद में डेंगू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पास इलाके और कई सोसाइटी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का विरोध भी हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटी लार्वा स्प्रे पार्किंग के लिए सोसाइटियों में जाती है, अगर जल जमाव और लार्वा मिलता है तो नोटिस देकर जुर्माना भी लगा रहे हैं। जुर्माना और नोटिस से बचने के लिए सोसाइटी में मलेरिया विभाग की टीम को एंट्री नहीं दी जा रही है, ऐसा विरोध कई जगह से सामने आया है। अभी अधिकतर बुखार के केस आ रहे हैं, जितने बुखार के थे सबको डेंगू मलेरिया चेक किया जाता है, हर मरीज चेक किया जाता है। सारी दवा उपलब्ध है हमारे यहाँ, प्लेटलेट भी उपलब्ध है, ब्लड उपलब्ध है, डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। कितने मरीज हर रोज चेक करते होंगे लगभग अस्पताल में? 2000 मरीज आते हैं डेली टोटल। किस तरह बचाव किया जाता है, इससे क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? सफाई व्यवस्था रखे हैं मलेरिया के लिए, जब बाहर निकले तो अपना फुल आस्तीन कमीज पहने, जूते मुझे पहने निकले, घरों में कूलर में गमले में पानी इकट्ठे न होने दें, पुराने टायर रहते हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, इससे वहाँ मिलेगा लार्वा डेवलप हो पाए। नाली फाली सफाई रखें, डीटी या इसमें मिट्टी तेल डाल दें जिससे लार्वा मर जाए।
देवरिया में ग्राम प्रधान गिरिजालाल श्रीवास्तव ने 1 करोड़ रुपए गांव हित के अनुदान के लिए दिया था, लेकिन गांव में विकास अभी भी अधूरा है। वहीं अधिकांश ग्रामीणों का मानना है कि हमारा गांव विकास विहीन है। जब जमीनी हकीकत देखा गया तो जल जमाव की समस्या बनी हुई है। इंडिया मार्ग का हैंड पाइप अब तक रिवोर नहीं हुआ है। जहां प्रदेश सरकार का दावा था कि हैंड मार्ग पाइप है उसे रिबोर कराना है, वहां पर सोखता का निर्माण अति आवश्यक है, लेकिन प्रदेश सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा में जब पंचायत भवन को देखा गया तो वहां भैंस का तबेला नजर आया। पंचायत के हालात काफी जर्जर स्थिति में मिला। प्रदेश सरकार का यह भी दावा था कि हर ग्राम पंचायत भवन का सुंदरीकरण किया जाए। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमरे आलम ने बताया कि हमारा धार्मिक स्थल मस्जिद है, इसके सामने सड़क पर गड्ढा हो गया है। खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बाबा क्या विकास हुआ इस गांव में? ग्राम सभा में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। पंडित जी कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ रोडे नहीं बनी है, सोखता नहीं बना है, उस पे क्या कहना चाहेंगे साहब? यहाँ तो रोड सोखता नाली जितना बना है उतना कभी नहीं बना है। इतना बढ़िया यहाँ हाथड़ा लगा लग रहा था। देखिए यहाँ से वहाँ से यहाँ तक पोखरी में बिल्कुल पाइप, हम जानते हैं 8 इंची 10 इंची का पाइप लगा करके RCC हुआ है, आपके सामने है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? श्री राम यादव, मेधी पट्टी। हमारे ग्राम सभा मेधी पट्टी बेलवनिया में जगह जगह गड्ढों में पानी लग चुका है। पानी लगने की वजह से अगर बीमारी फैल जाए, डेंगू बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके वजह से अगर किसी को डेंगू हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अभी हमारे ब्लॉक में ही एक जगह एक लड़का जो MBA कर रहा था उसको डेंगू होने की वजह से वो एक्सपायर कर गया है। ऐसे ही समस्या हमारे गांव में भी आ जाए तो इसके वजह से काफ़ी नुकसान हो सकती है हमारे गांव। छिड़काव कराया जाता है? नहीं, अभी तक फॉग नहीं कराया। इस समय हम पत्थरदेवा विधानसभा के मेदी पट्टी गांव में मौजूद है। यहां पर काफी चर्चाएं चल रही हैं, विकास को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। ग्राम प्रधान का मानना है कि मैं ये गांव में विकास की गंगा बहा दिया हूं, और वहीं आमजन का मानना है कि विकास के नाम पर यहां सुन रहे। मैं आपको यह भी बता दूं कि ग्राम प्रधान यह दावा कर रहे हैं कि मैंने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा, और ग्राम प्रधान ने 1 करोड़ रुपया का फंड भी दिया था जो गाँव के समहित में होना। टाइम टीवी से रवि रावत देवरिया। अमरोहा के नगर पालिका परिषद में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के साथ साथ पालिका क्षेत्र के सभी सभासद और पालिका स्टाफ ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कहा गया कि जल्द से जल्द आयुष्मान भारत योजना कार्ड बन जाए, इसके लिए वार्ड मेंबरों के साथ भी बैठक की गई है। मैं डॉक्टर एस बी सिंह, CMO अमरोहा। आज आदरणीय DM सर की गाइडलाइन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड हम बना रहे हैं, उसके लिए सभी हमने वार्ड मेंबर को बुलाकर एक विशाल चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की है, जिससे कि हम अर्बन अमरोहा अर्बन मतलब अमरोहा शहर के 20,000 जो लाभार्थी बचे हुए हैं उन तक हम वार्ड मेंबर के जरिए चाहते हैं पहुँचना, और हमारी आशा वहाँ पर जाएगी वार्ड मेंबर के साथ में जो छूटे हुए आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी हैं उनके सभी के कार्ड बनाएगी। औरैया में SP चारू निगम के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई गाड़ियों के चालान किए गए। वहीं इस संबंध में यातायात ट्रैफिक CO प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार SP चारू निगम के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों पर जाति सूचक शब्दों को भी चेक किया जा रहा है। 4-व्हीलर वाहनों में लगी ब्लैक फिल्म को भी चेक किया गया। साथ ही वाहन चालकों से अपील भी की गई कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें। 10 दिवसीय यातायात सक्रिय अभियान जिसमें पद सूचक, जात सूचक और संप्रदाय सूचक तथा 4 पहिया वाहनों में काली पन्नी के हटाए जाने के संबंध में अभियान चल रहा है, जिसमें पर डे जो है पूरे जनपद में यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, और जो वाहन इस तरह की आ जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात द्वारा लोगों से क्या अपील करने से वाहन चालकों से? लोगों से अपील है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं।
गाजियाबाद में बीते दिनों थाना इंद्रपुरम के ज्ञानखंड में कई गाड़ियों के लॉक तोड़कर ईसीएम चोरी करने की घटना सामने आई थी। इसी मामले में इंद्रपुरम थाने की टीम ने चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से लगभग 12 ईसीएम और लगभग 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बड़े स्तर पर ईसीएम चोरी गैंग को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा है। दिन बाद पुलिस को ईसीएम चोरों की जानकारी मिली है जिनको आपने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला, किस तरह से ये ईसीएम चुराया करते थे और कहां ये खपाया करते थे? देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत विगत रात्रि भोर में लगभग 3 बजे इंद्रपुरम पुलिस को यह सूचना मिलती है कि लगातार हमारे क्षेत्र में इंद्रपुरम और अन्य ट्रांसेंडेंट क्षेत्र में ईसीएम चोरी की घटनाओं को कारों से ईसीएम निकाल के चुराते हुए जो एक गैंग था उसकी सूचना मिली। तत्काल जो चेकिंग पुलिस वहां पे कर रही थी उन लोगों ने इन 3 व्यक्ति जो कि शक के आधार पर इनको रुकने का इशारा किया गया, ये लोग नहीं रुके। इनको एक शॉर्ट चेस के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। जब इनको हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने विगत कई दिनों से हमारे क्षेत्र में हो रही घटनाओं को कबूला और इनके पास से लगभग इन चोरी की हुई लगभग 12 ईसीएम बरामद हुई है, साथ में 10,000 रुपया बरामद हुआ है। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। सफरदर नाम का व्यक्ति घर से दुकान के लिए निकला ही था कि बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सफदर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश के साथ ही घटना का कारण तलाशने में जुट गई है। कौशाम्बी में अधेड़ व्यक्ति ने खुद को लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि अधेड़ व्यक्ति पिछले कुछ सालों से पैरालिसिस बीमारी से परेशान था जिससे तंग आकर उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। देखिए, थाना कोखरास को ग्राम चौकीदार के द्वारा यह सूचना दी गई कि ग्राम के एक व्यक्ति के द्वारा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार के आत्महत्या कर लिया है। इस सूचना के तत्काल मौके पर कोखरास पुलिस पहुंची और प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि मृतक पैरालिसिस का शिकार था और बहुत दिनों से डिप्रेशन का भी शिकार था जिसके कारण उन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार के आत्महत्या कर लिया है। और जब इन्होंने गोली मारा उस दौरान परिजनों के द्वारा उनके इलाज हेतु मंझनपुर रेफर किया गया। दौरान इलाज उनकी मौत हो गई है। शव का पंचनामा भरा जा रहा है और शव के पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजी जा रही है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने अलग अलग जगह से चोरी हुई 21 बाइक के साथ 3 अभियुक्तों के साथ पकड़ा है। पूछताछ में उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम तीनों लोग एक साथ चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचते थे। हम लोग साथ मिलकर मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों की शादी समारोह और चुनिंदा स्थानों से रेकी करके चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस इन लोगों से आगे की पूछताछ कर रही है। दही थाना द्वारा 3 शातिर बदमाशों को जो वाहन चोरी का काम करते हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके निशादेही पर इनके कब्जे से 21 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद किया गया है। अब तक जो हमने जानकारी हासिल किया है उसके अनुसार ये आसपास के जनपदों लखनऊ, कानपुर, उन्नाव और आसपास के जनपदों में चोरी का मोटरसाइकिल की चोरी का काम करते रहे हैं और इन्होंने एक अपना पूरा गैंग बना करके ये ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें कई पहले जेल भी जा चुके हैं। इसमें पूरन सनाब पीताम्बर भी थोड़े दिन पहले ही जेल से छूट के आया है। तो ये पूरे गैंग को हमने पूरी बार गिरफ्तार किया है और इनके साथ जो माल बरामद हुआ है चोरी का उसको भी पकड़ा है और इस पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे जिससे कि भविष्य में ये इस प्रकार की वारदात जल्दी ना कर पाएं।
गाजियाबाद में इंद्रापुरम पुलिस ने चेन स्नेचिंग और मोबाइल लूटने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों अभियुक्तों से दो चैन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लिंक रोड थाने में चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ये सभी लोग NCR क्षेत्र में चेन और मोबाइल छीन लिया करते थे। पुलिस से बचने के लिए सभी चोरों की स्कूटी से चेन स्नेचिंग और लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। अपराधियों के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा चलाए गए अभियान में आज सुबह लगभग 10:15 बजे इंद्रापुरम पुलिस को अपने मुखबिर तंत्र से सूचना मिलती है कि दो संदिग्ध लुटेरे जो कि गौर ग्रीन चौराहे से मंगल बाजार की तरफ आ रहे हैं, उनकी आने की सूचना है। तत्काल इनकी गाड़ाबंदी की गई और इनको संदिग्धता के आधार पर जब रोका गया तो इन लोगों को रोक के जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इन लोगों के नाम क्रमशः प्रकाश में आए जो कि विजय यादव और बंटी हैं। इन लोगों के ऊपर लगभग हमारे ट्रांसिंडन क्षेत्र में 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और साथ में इन लोगों ने यह कबूलनामा किया कि विगत कई दिनों से हमारे ट्रांसिंडन क्षेत्र में जो स्कूटी से चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, साथ में बाइक से चेन स्नैचिंग की वारदात हो रही थी, चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की, उसमें से काफी में इन लोगों की संलिप्तता है। जानने लायक बात यह है कि इन लोगों ने अपने कुछ साथियों के भी नाम बताए, उसमें से एक साथी की वाइफ, किसी को शक न हो इस आधार पर वह महिला जो है ले जाके इन चेन्स को जो है सुनार को बेचा करती थी। औरैया में खेत के पास खेलते समय दो बच्चियां और एक बच्चा मिट्टी में धंस गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी होते ही SDM और पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। क्या मामला है? पिताजी हैं बच्ची के, प्रीति के। अच्छा, जो बच्चे की मौत हुई उसके पता है आप? हाँ जी, और मैं जो है कि मिट्टी लेने बच्चे गए थे, तीन बच्चे खेलते खेलते मिट्टी लेने गए खेत में, तो टीला बच्चे के वो दब गए थे, हमारी बच्ची की मौत हो गई। दो बच्चे, तीन बच्चे दबे हुए, तीन बच्चे थे जिसमें आपकी बेटी की मौत हो गई। मेरी बेटी की मौत हो गई। क्या नाम है बेटी का? प्रीति। प्रीति, हाँ जी। कितने में पढ़ती है? 5वीं में पढ़ती है। कौन से विद्यालय में? प्राइमरी में। प्राथमिक विद्यालय हरपालपुर। हाँ जी। तीन बच्चे है ना मिट्टी दबने से घायल हो गए थे, जिसमें एक बच्चे जो है प्रीति है उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। दो बच्चे जो है प्रियंका और कुंजल ये ठीक है और स्वस्थ हैं। डॉक्टर परीक्षण इनका कर लिया गया है और इनकी स्थिति ठीक है, अभी स्वस्थ है। उनको अभी थोड़ी देर बाद छुट्टी दे दी जाएगी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। बाकी जो इस बच्चे की मृत्यु हुई है उसके कारणों को हम देख लेते हैं। जिस भी सहायता के अंतर्गत जो भी सहायता दिलाई जा सकती उस सहायता के लिए हम प्रयास करेंगे। गाजियाबाद में चल रहे अवैध शराब को नष्ट करने के अभियान में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग की टीम ने रस्तल गांव से मुखबिर की सूचना पर कच्ची शराब के साथ दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में आबकारी विभाग ने लगभग 70 लीटर कच्ची सहित शराब बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। इस पर आबकारी टीम ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमें सूचना मिली थी कि जो रिस्तल गांव है वहां पर कुछ लोग कच्ची शराब की बिक्री करते हैं। सूचना के अनुसार हम लोगों ने गांव में दबिश दी और हरिंदर जो कि पत्नी, सॉरी गुड्डी पत्नी हरिंदर, इनके घर से लगभग हमें 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और उल्टी पुनी की निशानदेही पर हमने राजेश कसाना पत्नी अशोक के घर पर हमने दबिश दी और उनके यहाँ से लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। सर, कितने समय से शराब देख रहे थे? शराब की सूचना तो हमें सटीक कुछ दिन पहले मिली थी। उसी तरीके से हम लोगों ने जो है वहाँ पे रिकी की और उसी के अनुसार हमने वहाँ पर दबिश। औरैया में बाइक सवार पिता और बेटी को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी बेटी बुरी तरीके से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और डंपर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राम शरण जो 48 साल के हैं, हृदयपूर्वा थाना मेला कॉलोनी में रहने वाले, ये बन्नी पारा अपने ससुराल से अपनी पुत्री रूपांशी के साथ अपने घर जा रहे थे और याकूबपुर मार्केट में उनका डंपर से एक्सीडेंट हो गया है। लोगों के अनुसार उनकी तत्काल मौके पर ही मृत्यु हो गई है।
शव को पंचायतनामा करने के उपरांत चिचौली पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अभी तारीख प्राप्त नहीं है। तारीख जैसे प्राप्त होती है हम लोग सुसंगत धाराओं में उपस्थित करेंगे और आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।